हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद वसीम और आज हम बात कर रहे हैं ESBI कॉन्सेप्ट या रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड से ली गई है, जो कि रिचेस्ट मैन है। तो हर अमीर इंसान इसे जानता है, हर बिजनेसमैन, हर इन्वेस्टर इसे जरूर जानता है। तो आज हम भी जानेंगे, यानी कि हम भी अमीरों की दुनिया में चल रहे हैं, इन हैबिटों को अपने अंदर डालेंगे। तो ESBI कॉन्सेप्ट है क्या चीज? ई फॉर एम्प्लॉय, यस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, और बी फॉर बिजनेसमैन, और आई फॉर इन्वेस्टर। तो जो एम्प्लॉय हैं, ये अपने टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे काम करते हैं, चाहे सेल्फ एम्प्लॉय, चाहे जो गवर्नमेंट जॉब करें या तो प्राइवेट जॉब करें, वो टाइम देते हैं 8 से 10 घंटे और टाइम के बदले उन्हें सैलरी मिलता है महीने में। सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ये भी टाइम देते हैं 8 से 10 घंटा, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, क्लिनिक पे जाते हैं, अब वकालत करने जाते हैं, तो जब जाते हैं तो टाइम 8 से 10 घंटा देते हैं, फिर टाइम सेवा के बदले उन्हें पैसा मिलता है। पेशेंट देते हैं उन्हें पैसे, जितने भी क्लाइंट होते हैं उन्हें पैसे देते हैं वकील को, तो हमें पैसे मिलते हैं, टाइम देते हैं, यानी कि टाइम फ्रीडम यहाँ पर नहीं है। एम्प्लॉय को भी और सेल्फ एम्प्लॉय को टाइम फ्रीडम नहीं है। काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, तभी तनख्वाह मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। और तीसरे कैटेगरी के लोग हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो हैं उनके पास टाइम की फ्रीडम होती है। इन्वेस्टर जो है उनको भी टाइम की फ्रीडम होती है, मतलब वो काम करें या ना करें इनको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ जो कैटेगरी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इन काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलने वाला। इन्हें टाइम का फ्रीडम, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को टाइम का फ्रीडम होता है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं काम करने के, वो एक बिजनेस मॉडल सेट करते हैं। बिजनेस मॉडल जैसे अब टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, बाटा, आप KFC देख रहे होंगे, तो जितने भी बिजनेस हैं वो एक मॉडल सेट करते हैं। मॉडल में तो बिजनेस में लोग काम करते हैं मालिक के लिए और कमा करके पैसे मालिक को देते हैं। मालिक को काम नहीं करना पड़ता, वो चाहे सोएं, चाहे जागे, कहीं घूमें टहरें, कहीं भी रहें, लोग काम उनके लिए करते हैं, कमा करके पैसे देते हैं, उसके बदले में से तनख्वाह लेते हैं। लेकिन बिजनेसमैन को काम नहीं करना पड़ता, ना काम करने नहीं आना पड़ता, देखभाल के लिए कभी कभी आ जाते हैं लेकिन वो काम नहीं करते हैं, तब भी उनको पैसे मिलते हैं, यानी लोग उनके लिए काम करते हैं। यही इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर को भी टाइम का फ्रीडम होता है, ये भी काम नहीं करते हैं, केवल अपना पैसा लगा देते हैं और पैसे के बदले में ये पैसा कमाते हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, पैसा लगा करके बिजनेस चल रहा है किसी का, बिजनेस उनको पैसे की ज़रूरत है, इन्होंने पैसा लगा दिया और इनको उसमें शेयर मिलता है, तो ये अपना पैसा लगा देते हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है। अपने पैसे को फिक्स कर दिए बैंक में, तो बैंक इनको उसके बदले में एक्स्ट्रा पैसे भी देती है, यानी जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, तो उसके बदले में उन्हें पैसा मिला, यानी पैसे के बदले में जब पैसा मिलता है, इनको काम नहीं करना पड़ता, केवल पैसा इनको पैसा कमा के देता है, तो ये इन्वेस्टर होते हैं। और देखा जाए तो जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, इनकी पॉपुलेशन केवल 10% वर्ल्ड में, केवल यानी विश्व में केवल 10% है पॉपुलेशन इनकी। और हैरानी की बात है, 10% पॉपुलेशन होने के बावजूद उनके पास 90% आता है पैसा, दुनिया का 90% पैसा इनके पास होता है, बिजनेसमैन या तो इन्वेस्टर के पास। पॉपुलेशन 10% लेकिन वर्ल्ड का पैसा कितना है, 90%। और दूसरी तरफ देखा जाए, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर हैं और सेल्फ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉय, इन ये दुनिया में 90% इनकी संख्या, यानी पॉपुलेशन 90% है, लेकिन देखा जाए इनके पास पैसा कितना है, केवल वर्ल्ड का यानी विश्व का 10% पैसा। अब हम आप किस कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर, हम सब किस कैटेगरी में आते हैं और किस कैटेगरी में आना चाहिए, हम सब किस कैटेगरी में रहना चाहिए? ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, यानी जितने भी अमीर आदमी हैं, वो या तो बिजनेसमैन हैं या तो इन्वेस्टर हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड हम पर करता है। हमें कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने सपने पूरे करने चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए कि नहीं चाहिए, आज हमें समझ में आता है, आज आपको समझ में आता है, डिसीजन लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। अब एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय से अब जंप करना है, या तो इन्वेस्टर बनना है या तो बिजनेसमैन बनना है, उसके लिए पैसे चाहिए, काफ़ी स्किल्स चाहिए, उस सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, अचानक नहीं होती कोई चीज़, एक दिन ज़रूर होती है। थैंक यू सो मच।